we have find the previous lesson we did question number 12 and 13. Today we are going to start question number 16. Similar question number 12, 13, 6, 7, 8. We find the product. Same way बात है कि हमें product find करना है. 1/3 multiply by 1/2. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई number भी जो है cutting नहीं हो रहा. तो numerator को numerator के साथ, denominator को denominator sort of making. 1 1s are 1, 3 2s are 6. ठीक है. 1/6 आपका answer. बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन है जैसे आपने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखे. क्वेश्चन नंबर 16, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3. अब आप देख सकते हैं कि ये 2 और ये 6 आपस में कट डाउन हो सकते हैं. 2 और 2 3 इज 6. न्यू फ्रैक्शन क्या हो गए? अच्छा ये मैंने, अब आपने देखा 2 और 3 आपस में 2 1 जा 2 2 3 जा 6. न्यू फ्रैक्शन क्या है? 5/3 और 1/3. अब मजीद कैंसिल एड नहीं हो सकते तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 5 1 5, 3 3 9. ऊपर की वैल्यू स्मॉल है, नीचे की ग्रेटर देन है, तो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता. 3/4 और 2/3. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर में भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है. 3 1 3, 3 1 3. ठीक है, न्यू फ्रैक्शन क्या हो गई? इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि इसके अलावा 2 और 4 भी तो कट डाउन हो सकता है ना. 2 1 2, 2 2 4. ठीक है, इसके अलावा मजीद कटिंग नहीं हो रही तो न्यू फ्रैक्शन क्या होगी? 1/2 मल्टीप्लाई 1/1. ठीक है, अब वही रूल लग जाएगा, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ. 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 1/2. इसी तरह आ जाए 4/5 मल्टीप्लाई 3/4. अब यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि 4 के टेबल में 4 1 4, 4 1 4. अब न्यू फ्रैक्शन क्या बन गई? 1/5 मल्टीप्लाई 3/1. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 3 1 3, 5 1 5. आपका आंसर आ गया 3/5. 3 मल्टीप्लाई बाय 4/5. अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ना 2/5, ना 2/3, ना 4/5 आपस में कैंसिलेट नहीं हो सकते. तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ. 4 2s are 8, 5 3s are 15. 8/15 आंसर. 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/6. ठीक है, अब आप यहाँ पर देखते हैं 3 और 6 जो है वो एक टेबल पे कट डाउन होता है. तो क्या होगा? 3 1 3, 3 2 6. अब आंसर क्या रिमेनिंग हुआ? 1/4 मल्टीप्लाई 1/2. ठीक है, 1 1 1, 4 2 8. वही रूल लग गया, न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर. 1 1 1, 4 2 8. तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/8. बेटा तमाम क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन कर लें, उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करें. थैंक यू.